नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषिन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं 6th of March 2023 के बारे में। 6 मार्च 2023 का दिन आप सभी के जीवन में किस तरह से खुशियां लेकर के आ रहा है, कौन से अचूक उपाय और कौन सी वैदिक रेमेडीज आपके लिए आज काफी ज्यादा कारगर रहेगी, कौन से अफर्मेशन एंड एंजल नंबर्स आज आपका दिन बनाते हुए नजर आएंगे, कौन सा रहेगा अचूक वास्तु का उपाय और क्या रहेगा गोल्डन विश टाइम, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज मिस ना हो जाए। सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं कि दिन की शुरुआत कैसे होने वाली है। देखिए, सोमवार का दिन है, बहुत ही ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल वाला दिन यहां पर रहेगा। बट एक प्लस पॉइंट यहां पर दिन में दिखाई देता है कि दिन में कितनी भी परेशानियां आ जाएं, आप सभी के पास वो पावर रहेगी आज कि आप उन परेशानियों से अपने आप को बचा पाए और अपने आप को सुकून और सेटिस्फेक्शन के साथ इस दिन को खत्म कर पाए। इस तरह का योग यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। आज का ही दिन आप सभी के लिए कहीं ना कहीं गुड लक साइन भी हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आज के दिन में आप सभी को पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। जितना पॉजिटिव अपने दिमाग को रखेंगे, जितना पॉजिटिव चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे, उतना ही शानदार दिन यहां पर आपका जाता हुआ नजर आएगा। आज के इस दिन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, वैसे वैसे काम बनते हुए नजर आएंगे। मतलब कि 4 बजे के बाद का दिन जो है वो और भी ज्यादा शानदार दिन है। सुबह के समय में आप सभी को थोड़ा सा पेशेंस रखकर के आगे बढ़ने की जरूरत है और थोड़ा सा शांत रहने की जरूरत है। तो दिन की शुरुआत और भी ज्यादा अच्छी हो जाए और पूरा दिन आराम से निकल जाए, इसके लिए आप सभी को करने हैं ये अचूक उपाय। नोट कर लीजिएगा प्लीज, आज के दिन में कोशिश करें कि व्हाइट कलर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। कहीं पर भी बाहर जाते हैं, विशेष कार्य के साथ जाते हैं या किसी भी तरह से किसी अर्जेंट मीटिंग को अटेंड करना है, व्हाइट कलर आज आपके दिन को बनाता हुआ नजर आएगा और आप सभी को काफी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ साथ आज के इस दिन में आप सभी को किसी भी तरह से अगर मौका मिल जाए कि कोई दान पुण्य करना है, तो मेरे सजेशन रहेंगे कि आप व्हाइट चीजों का डोनेट करें। आज चावल हो गया, शक्कर हो गया, आटा हो गया, कुछ भी जो भी मौका मिल जाए दान जरूर कर लें, इससे आपको फायदा मिलेगा। आज किसी भी विशेष कार्य से अगर आप बाहर जाते हैं तो जाते समय थोड़ा सा आटा अपने साथ ले लें या चीनी और आटा मिक्स करके अपने साथ ले लें और जाने के घर से बाहर निकलते ही किसी भी पेड़ के नीचे आप उसे बिखेर करके फिर अपने काम के लिए निकल जाइएगा। आप सभी का काम बनता हुआ नजर आएगा और रुकावटें जो हैं वो दूर होते हुए नजर आएंगी। जब भी आप बाहर जाते हैं मीठा पानी पी के जाइएगा, इससे भी आपको आज बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल पूरे दिन की एनर्जी जो है ये काफ़ी ज़्यादा शानदार एनर्जी है और इस एनर्जी को और भी ज़्यादा अच्छा करने के लिए आप सभी को आज के दिन में अपने इष्ट देव की पूजा करनी है, अपने इष्ट देव को याद करना है। जिन्हें भी आप मानते हैं उनका आज थोड़ा सा मनन जरूर कर दें, चिंतन जरूर कर लें, इससे आप सभी का जो एक एनर्जी लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा शानदार रहेगा। शाम के समय में 5 से 8 के बीच में अपने पसंदीदा चीज़ों को करने की कोशिश करिएगा, अपने पसंदीदा लोगों से बात करने की कोशिश करिएगा, तो इससे भी आप सभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। शाम को जब भी आपको अगर किसी के साथ कोई अपने मन की बात शेयर करनी है तो 5 से 8 के बीच का जो समय रहेगा ये काफ़ी ज़्यादा शानदार समय रहेगा। इस समय में की गई बातें आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा नए रास्ते खोलते हुए नजर आएगी और आप सभी को अच्छी फीलिंग देती हुई नजर आएगी, तो ये काम आप ज़रूर करें, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। आज के दिन में जो वैदिक नंबर, जो एंजल नंबर रहेगा, ये भी काफ़ी शानदार है। नोट कर लीजिएगा प्लीज़, 1511 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नंबर है और आज का ये नंबर आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा और एक सेटिस्फैक्शन देने की कोशिश यहाँ पर ज़रूर करता हुआ नजर आएगा। उम्मीद करूँगा कि ये नंबर आप 3 से 4 बार रिकॉल करेंगे और अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आज का अफर्मेशन भी कुछ इसी तरह का है जो कि आपके लिए नए रास्तों को बनाएगा और नई शुरुआत के लिए आपको मौका देता हुआ नजर आएगा। नोट कर लीजिएगा प्लीज, आई एम स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ, ये आपको आज बोलना है, आई एम स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ। तो आप आज के दिन में डेफिनेटली कुछ नई शुरुआत कर सकते हैं, डेफिनेटली कुछ नए थॉट्स को जन्म दे सकते हैं, कुछ नई चीजों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, नए प्लान पर आप काम कर सकते हैं और आप अपने इस दिन को और भी ज्यादा शानदार बना सकते हैं। कोशिश करके देखिएगा, रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। आज का ये जो दिन रहेगा, इस दिन में गोल्डन विश टाइम की अगर मैं बात करूं तो शाम को 5 से 6 के बीच का जो समय है ये बहुत ही ज्यादा शानदार समय है।
इस समय में आप अपनी इच्छाओं को जो आप पूरा करना चाहते हैं उन्हें आप बोलिए, उन्हें आप याद करें, उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करें, उन चीज़ों को लिख करके रख लीजिए। ये भी आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल दिन बहुत ही ज़्यादा शानदार है और दिन को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए अपने घर का वास्तु कैसे सही करना है वो भी आप नोट कर लीजिएगा प्लीज़। उससे पहले अगर आप सभी पुणे में हैं या मुंबई में हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं आप सभी के शहर में आ रहा हूँ। 10, 11, 12 को मैं रहूँगा पुणे में और 18, 19, 20 और 21 मैं रहूँगा मुंबई में। आप अगर मिलना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, डिटेल्स सारी आपको मिल जाएगी। चलिए अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं वास्तु के उपाय के लिए। कौन सा है वो वास्तु का उपाय जिससे कि घर में माहौल अच्छा बनेगा, घर में सुख और शांति रहेगी और घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। देखिए जब हम नई शुरुआत की बात कर रहे हैं तो आज के दिन में घर में भी थोड़े से चेंजेस तो यहाँ पर जरूर बनते हैं। तो कुछ डेकोरेशन करने की कोशिश करिए, घर को थोड़ा सा नया एंगल देने की कोशिश करिए, घर को थोड़ा सा सामानों के साथ बदलाव करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये बदलाव कहीं ना कहीं पॉजिटिव बदलाव रहेगा और आप सभी के लिए ये बदलाव अच्छा डायरेक्शन बनाता हुआ नजर आएगा। तो सबसे पहले तो आप ये काम करके जरूर देख लीजिएगा। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आज के दिन में स्पेशली घर में गंदगी ना रखें, घर को पूरी तरह से साफ रखें, सफाई रखें, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये आपको करना है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सभी को जो करनी है, आज के दिन में अपने घर के ब्रह्म स्थान में, घर के सेंटर ऑफ द हाउस में अगर हनुमान चालीसा आप चला दें तो ये भी काफ़ी अच्छा वाइब्रेशन जनरेट करेगा और आपके घर का माहौल जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा बनता हुआ नज़र आएगा। आज के दिन में आप सभी को चैन की नींद अगर सोनी है तो आज अपने बेडरूम को कुछ खुशनुमा बना दीजिएगा, थोड़ी सी खुशबूदार जो भी फ्रेग्रेंस है वो आप अपने बेडरूम में छिड़क दीजिएगा। रात को सोते समय आपका जो सिर रहेगा सिराहाने में वो मेक श्योर कि ईस्ट डायरेक्शन में ही रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपका जो हेड रहेगा वो ईस्ट में ही रहेगा, उससे आप सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और नींद बड़ी सुकून वाली आप सभी को देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ आज के दिन में सोने से ठीक पहले कोशिश करें कि थोड़ा समय अच्छे म्यूजिक को सुनते हुए अगर आप सुने और उसके बाद आप सोएं तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आज के दिन का जो ऑरा है थोड़ा सा मेलोडी है, थोड़ा सा क्रिएटिव है और थोड़ा सा खुश नुमाया यहाँ पर ज़रूर दिखाई देता है। तो छोटी छोटी चीज़ें मेक श्योर आप ध्यान रखें और इन छोटी छोटी चीज़ों को करके आप अपने इस दिन को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। इस दिन के साथ साथ अपने घर के वास्तु को पॉजिटिव करके घर में भी एक एनर्जी जनरेट कर सकते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का दिन शानदार जाएगा और आप सभी इन उपायों की मदद से अपने इस दिन को और भी ज़्यादा बेहतरीन बना पाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकें। धन्यवाद।